साथियों, लखनऊ से हम चल के जब अयोध्या में पहुँचे, यहाँ पर देखने को हमें क्या मिला? हमने टीवी और सोशल मीडिया पे देखा था, लता मंगेशकर चौक के बारे में देखा भी था और सुना भी था। यहाँ पर पहुँचते ही दोस्तों मन आह्लादित हो गया, एक अजीब सी शांति मिली हमारे मन को। सामने आप बीड़ा देख रहे होंगे, यह चौक दोस्तों लता मंगेशकर जो कि मशहूर गायिका हमारे देश की रही हैं और भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था, उनको समर्पित किया गया है। शाम के समय यहाँ पर भीड़ देखते ही बनती है। बगल में सरयू नदी का तट होने के कारण यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और चौक पे लोग सेल्फी लेते हुए आपको दिख जाएंगे, फ़ोटो लेते दिख जाएंगे और वीडियो बनाते दिख जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, लोगों की श्रद्धा अपरंपार है। यहाँ पर जो भी इंसान भगवान श्री राम के दर्शन करने आता है, श्री हनुमान गढ़ी के दर्शन करने आता है, राम जी की पौड़ी के दर्शन करने आता है, सबसे पहले उसको लता मंगेशकर चौक यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, तांता लगा हुआ है भक्तों का, आप भी आइए। क्या आपने यहाँ पर पहले दर्शन किया है? अगर नहीं किया है दोस्तों तो यकीन मानिएगा, आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। दोस्तों, भगवान श्री राम की जन्मस्थली से अगर मैं इसकी दूरी की बात करूँ तो इस चौक की दूरी लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की है और यहाँ पर आपको तरह तरह की खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। बगल में आपको पूजा पाठ की सामग्री मिल जाएगी और तरह तरह की ज़रूरतों के आपको यहाँ पर सामान सारे मिल जाएंगे। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर उचित रैन बसेरा है। अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो आपको AC और नॉन AC होटल्स भी मिल जाएंगे। तो आइए यहाँ पर, अपना अनुभव साझा करिए और बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा।